नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफ़र मिस्टर शिवशंकर सूर्यवंशी फ्रॉम उमरगा महाराष्ट्र। कैसे हैं दोस्तों? आशा है सभी लोग बढ़िया होंगे और आशा है सभी लोगों का काम भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाने जा रहा हूँ। इसमें 250CF में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जी हाँ, ID रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और उसके साथ साथ अपने डाउन में जो ID रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको एक्टिव कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। जैसे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो स्पॉन्सर के रेफरल लिंक द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 250CF.in वेबसाइट ओपन करेंगे। इस तरह से वेबसाइट आएगा और इस वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन्स आएंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आता है। जैसे हम रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होता है। यानी एक तो आप स्पॉन्सर के रेफरल लिंक को भी क्लिक करेंगे तो यही रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, और आप साइट के ऊपर आकर अगर रजिस्टर को क्लिक करते हैं तो यही रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। बस डिफरेंस क्या होता है कि जैसे आप लिंक द्वारा ये फॉर्म ओपन करते हैं तो स्पॉन्सर का ID और स्पॉन्सर का नेम ऑटोमेटिक शो होता है। अगर आप वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सर ID टाइप करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्पॉन्सर ID टाइप करके हमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। ये मेरी एक स्पॉन्सर ID है, इसको मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं स्पॉन्सर ID टाइप करता हूँ, स्पॉन्सर नेम ऑटोमेटिक शो होता है। फिर यहाँ पे हमें जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन करना है या फिर जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो यहाँ पर अपना एसोसिएट नेम यानी खुद का पूरा नाम यहाँ पर लिख सकता है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है और ईमेल ID टाइप करनी है। अब जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे आपको खुद का पासवर्ड जनरेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड रख रहा हूँ और सेम वही पासवर्ड हमें कंफर्म करना है। बस ये छोटा सा प्रोसेस हमने किया है दोस्तों, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID और पासवर्ड। फिर बाद में इसको साइन अप करना है। अब जैसे आप साइन अप करेंगे, इस तरह से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वाला एक वेलकम पेज आएगा। इसमें आप देखेंगे कि डियर शिवशंकर जी सूर्यवंशी, जिनके नाम पे मैंने खुद का रजिस्ट्रेशन किया था, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ 250CF, योर एसोसिएट ID CF0। CF के बाद O नहीं आता, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं O होगा, लेकिन ये 0 है दोस्तों, CF0537629 28। ये मेरा ID नंबर आ चुका है और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था। और नीचे ये नोटिस है यहाँ पे, मेक 250 पेमेंट टू योर स्पॉन्सर एंड एक्टिवेट योर ID, योर स्पॉन्सर डिटेल्स आर। यानी जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, ये जो पेज आता है हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और बाद में जो अपलाइन डिटेल्स यहाँ पे आते हैं, चाहे अपलाइन ने डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं, अकाउंट डिटेल, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी है, तो उन्हें हमें ₹250 पेमेंट सेंड करना होता है और अपनी ID एक्टिवेट करनी होती है। अब यहाँ पे अपलाइन बैंक डिटेल्स में अगर आप अपलाइन नंबर देखेंगे, ID नंबर, तो CF09258416, जी हाँ, जिस ID के डाउन में मैंने रजिस्ट्रेशन किया ये ID नंबर है। अब देखेंगे दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन किया हुआ ID एक्टिवेट कैसे करना है। जी हाँ, कुछ लोग होंगे जिनके डाउन में ID रजिस्ट्रेशन होती है तो उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है। तो अब बारी आती है स्पॉन्सर की। तो स्पॉन्सर को क्या करना है, सेम वेबसाइट पे के ऊपर आना है और यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया, अब ID ओपन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन को क्लिक करना है। और जो जिस ID नंबर के डाउन में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, अब वो मैं ID नंबर यहाँ पर ओपन करके आपको एक्टिवेट कैसे करना होता है वो दिखाता हूँ। अब जैसे आपने ID पासवर्ड टाइप किया है और लॉगिन को क्लिक करेंगे, आपकी ID इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आपका रेफरल लिंक है, व्हाट्सअप का सिंबल है, आप व्हाट्सअप को क्लिक करके डायरेक्ट आपका रेफरल लिंक व्हाट्सअप पे देख सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे इनकम सेशन है, उसके साथ साथ ऑटोपुल इनकम सेशन है, ये बातें आती हैं। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे ये अपना मेनू बार ओपन होता है दोस्तों, जिसमें डैशबोर्ड है, वेलकम लेटर है। अगर हमें अपना प्रोफाइल एडिट करना है तो हम प्रोफाइल में से व्यू प्रोफाइल या फिर एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। अब जो ID अपने डाउन में हमने रजिस्ट्रेशन किया था या फिर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया था, उनकी ID एक्टिव करने के लिए हमें एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में जाना है। जी हाँ, यानी देखिए, हम यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड में, थ्री लाइन्स को एक्टिव क्लिक करते हैं, एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में आते हैं। अब जैसे हम एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में आएंगे, यहाँ पे अपने डाउन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनका डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। ऑलरेडी मेरे डाउन में 26 तारीख को एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया है, उनका डिटेल है। और जस्ट अभी मैंने 28 तारीख को जो मैंने ID का रजिस्ट्रेशन किया था शिवशंकर जी सूर्यवंशी नाम से, वो ID यहाँ पर दिखाई देती है दोस्तों। यहाँ पर
सेंडर आईडी होता है, सेंडर नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, रिक्वेस्ट डेट होता है, अमाउंट होता है, लेवल होता है और स्टेटस यो पेंडिंग। अब इसको एक्टिव कैसे करना है, जैसे मुझे सेकंड आईडी एक्टिव करनी है तो जो एक्शन का बटन है सेकंड आईडी के सामने सेटिंग का, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के दो ऑप्शन आते हैं। अब जैसे ही हम एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे वो आईडी एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही हम रिजेक्ट को क्लिक करेंगे वो आईडी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब एक्सेप्ट किसे करना है और रिजेक्ट किसे करना है, जो बंदा रजिस्ट्रेशन करके आपको 250 रुपये भेज देता है, आप कंफर्म हो जाते हैं कि उनके पैसे आ चुके हैं तो आप उन्हें एक्टिव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन वो अभी काम करना नहीं चाहता तो उनकी आप आईडी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी ये तो मेरी ही आईडी है इसलिए मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट करके आपको बताता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझ में आया होगा कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं पैसे आने के बाद और रिजेक्ट कर सकते हैं पैसे नहीं आने के बाद। अब जैसे ही मैंने रिजेक्ट कर दिया वो आईडी यहां से चली गई, एक्सेप्ट भी करेंगे वो तो भी वो आईडी यहां से चली जाती है। अब देखेंगे दोस्तों दूसरे ऑप्शन, जैसे किसी को ऑटो पुल का इनकम आता है तो ऑटो पुल का इनकम हमें आईडी अपने डाउन में आने के बाद वो कैसे एक्सेप्ट करनी है, सेम ऑटो पुल एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में जाना है, उनका डिटेल यहां पे शो होगा और सेम उनके नाम के सामने एक्शन का बटन होगा। अगर उन्होंने पेमेंट दिया है तो एक्सेप्ट कीजिए, पेमेंट नहीं दिया है तो रिजेक्ट। वैसे तो ऑटो पुल में रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेमेंट देने में थोड़ा लेट भी हो सकता है, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, आज नहीं तो कल भेज देंगे, एक्सेप्ट ही करना है। अब उसके साथ साथ टीम, माय टीम में देखेंगे तो आप माय ट्री देख सकते हैं, मेंबर ट्री देख सकते हैं, लेवल वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, माय डायरेक्ट टीम देख सकते हैं, माय डाउनलाइन देख सकते हैं। अब डोनेशन में अगर देखेंगे तो डोनेशन सेंड, आपने कितना डोनेशन आज तक इस आईडी से सेंड किया है वो भी यहाँ पे डिटेल आता है, और डोनेशन रिसीव्ड आपको कितना इनकम आज तक मिला है वो भी यहाँ पे शो होता है। ऑटो पुल डोनेशन में ऑटो पुल में आपको कितना इनकम मिला है और ऑटो पुल से आपने कितना इनकम दिया है ये भी यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से फंक्शन ऑपरेट होते हैं दोस्तों। तो बस यही आपको बताने वाला था कि जो जिनको भी आईडी एक्टिवेशन में या फिर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको फॉलो करें। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो 100% आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।